The active form of Entamoeba histolytica feeds upon, this question asked in the 2015 in AIPMT, इसमें पूछा है कि Entamoeba जो होता है, Entamoeba histolytica, it is a protozoa, तो ये जो protozoa होता है, ये कहाँ पर infection करता है हमारी body के अंदर, so the जो Entamoeba histolytica है, इसके इन्फेक्शन होता है ट्रोफोजॉइट से. तो इसके जो ट्रोफोजॉइट्स हैं, ये देखो क्या करते हैं, द ट्रोफोजॉइट्स ऑफ Entamoeba histolytica सिक्रेट्स द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे और इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन की वजह से जो म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड द ब्लड कैपिलरीज ऑफ कॉलन वॉल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब डाइजेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर देगा और इनके ट्रोफोजोइट्स के इंजेशन की वजह से इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ और आईबीसी जो हैं उसके अंदर ये इंजेस्ट कर जाएगा, इनमें इन्फेक्शन कर देगा. सो Entamoeba histolytica फीड्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ कॉलन वॉल्स. ओके, तो देखते हैं हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. फर्स्ट है ब्लड ओनली, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. सेकंड है एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ कॉलन, तो ये वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा. एज वी नो कि ये किस किस को इन्फेक्ट कर रहा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और एरिथ्रोसाइट्स को. थर्ड है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ कॉलन ओनली, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट्स को भी इन्फेक्ट करता है. फोर्थ है फूड इन इंटेस्टाइन, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा.